विश्व की नंबर वन टू व्हीलर कंपनी हीरो के अधिकृत डीलर ठक्कर हीरो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनेंस मात्र 5,999 के साथ। आधार कार्ड लावे और अपनी मनपसंद की हीरो की बाइक ले जावे। अब हीरो के वाहन में पेट्रोल चोरी नहीं होगा और 2 लीटर पेट्रोल रखना भी अनिवार्य नहीं है एवं पहले से 6% अधिक माइलेज मिलेगी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हमारा पता है ठक्कर हीरो इंदौर रोड खंडवा, हमारी शाखा माता चौक आनंद नगर में भी है। तो अभी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9425928519 व 9575060232 व 6263311424। खंडवा में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ 300 से ज्यादा लोगों को सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ गई। गुरुवार की देर रात खानसावली में एक सगाई कार्यक्रम चला जहाँ 1500 लोगों की दावत थी। भोजन में मटन, गुलाब जामुन, खाने से उल्टियाँ होना बताया जा रहा है। रात 12 बजे भोजन के 2 घंटे बाद हालत बिगड़ी तो जिला अस्पताल के अलावा 2 निजी अस्पताल में भी लोग भर्ती हुए। खानसावली के सहनाई पैलेस में रात के 12 बजे तक एक सगाई कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ क्षेत्र के संजू मौलाना के लड़के की सगाई थी। कार्यक्रम में 1500 लोगों की दावत थी जिसमें खानसावली के अलावा इंदौर, बुरहानपुर के रिश्तेदार भी शामिल हुए। भोजन में मटन, चिकन के अलावा गुलाब जामुन खाने से हालत बिगड़ने की बात कही जा रही है। जिला अस्पताल के मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती हाफिज खान ने बताया, जब लोग आराम फरमा रहे थे तभी रात के 2 बजे अचानक उल्टियां होने लगी। क्षेत्र में 300 लोगों की तबीयत बिगड़ी। सभी को एक साथ उल्टियां होने पर जिला अस्पताल शुभम और हिंदुजा में लोगों को भर्ती कराया है। सेनाई पैलेस में उनकी बच्ची की मंगनी थी तो उसमें खाने की व्यवस्था थी उनकी, तो वहाँ मतलब सभी प्रकार के आइटम थे। तो उसको खाने के बाद हमने जो है ना, मतलब हमको ऐसा लगा नहीं कि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में हमको, कि मतलब उल्टी दस्त में आ जाए, मतलब हमको ऐसा लगा नहीं। तो हम आके मतलब यानी रात में खा के जो निकले तो वो रात में गए घर तो मतलब उल्टी दस्त चालू हो गया, तो उसके कारण यहाँ पर हमको भर्ती होना पड़ा आके। कम से कम 300-400 लोग होंगे सर, कोई प्रॉब्लम है ना? अभी ठीक है? हाँ ठीक है अभी तो। 107 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं फूड पॉइजनिंग के, किसी शादी कार्यक्रम में हुए थे वहाँ खाने के बाद उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है और सबको भर्ती किया है। और अभी इसमें सीरियस कोई भी नहीं है और मेरे ख्याल से उसमें से 25-30 हम लोग अभी डिस्चार्ज करवा रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। क्या लगता है सर, क्या प्रॉब्लम? नहीं, फूड पॉइजनिंग है, सिंपल है, उल्टी दस्त से शिकायत करके आए थे। अभी भी आ रहे हैं पेशेंट, तो जो रात में नहीं आ पाए वो सुबह भी आ रहे हैं, लेकिन वो सब नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगे, सीरियस नहीं है कोई भी।